देश की 2,64,00,000 की आबादी अपने नए 90 माननीयों को चुनने को तैयार है, इसीलिए अब सियासत के सुरमा भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम थारा नेता में आज हमारे साथ है जननायक जनता पार्टी के नेता और पानीपत ग्रामीण के प्रभारी देवेंद्र कादियान जी। कादियान साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुरुआत हम यहां से करते हैं, दूसरी पार्टियों में टिकट के जो दावेदार हैं उनमें जोड़ तोड़ चल रहा है, अंदर खाते एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या इस मामले में दूसरे दलों के मुकाबले जजपा ने लीड ले ली है? देखिए, ऑफकोर्स जननायक जनता पार्टी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के जिम्मेदारी दी है, और हम अदर पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से हमेशा आगे रहे हैं पानीपत ग्रामीण में और लीड ले चुके हैं। जितने भी, चाहे किसी भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का आज देख लो, एक दूसरे की लड़ाई में उलझे हुए हैं। कांग्रेस में कैंडिडेट जो है एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, और जननायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुझे चुन के यहाँ भेजा है, और जनता की हम लगातार 15 साल से सेवा कर रहे हैं। इससे पहले मदर ने भी चुनाव लड़ा था 2009 में, उसके बाद फिर हम तब से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं, पीछे चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जनता में हम हमेशा दुख में सुख में पानीपत ग्रामीण के साथ रहे हैं। आपकी पार्टी के स्टैंड ने ये दिखा दिया कि क्लियर कट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आपस में खींचतान जैसे नेताओं में कांग्रेस में है, बीजेपी में भी कई खाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि राजनीति करो साफ सुथरी और स्पष्ट नीति होनी चाहिए। उसी नीति के तहत आपके 7 कैंडिडेट का, आप समेत पानीपत ग्रामीण से तो आप कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट का चुनाव किया और उम्मीद है कि बाकी भी जल्दी सामने आ जाएंगे, तो पार्टी इस मामले में मेरे को लगता है बाकी दलों से आगे लीड लेगी। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे कैंडिडेट जो हैं अच्छे कैंडिडेट हैं। सबसे पहले उन्होंने 7 लोगों को चुना जो मजबूत है और हर तरीके से अच्छे वक्तव्य भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, और हर कास्ट को उन्होंने लिया है। ब्राह्मण को भी लिया, बीसी को भी लिया, एससी को भी लिया, जाट को भी लिया, तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से समीकरण से वो उन्होंने टिकटें दी हैं। और आने वाले समय में भी दुष्यंत चौटाला जी और पूरी जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो है अच्छे तरीके से, अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट देगी, और जननायक जनता पार्टी के पास बहुत अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं। आने वाला जो अभी इलेक्शन है और उसमें पता लगेगा कि किस तरीके से जननायक जनता पार्टी जो है विधानसभा में अपने बहुमत की ओर जाएगी। करण साहब, आपकी पार्टी के साथ ये एडवांटेज भी है कि जो आपकी लीडरशिप है वो युवा ही नहीं है, नए जमाने की राजनीति करना चाहती है परंपरा से हटके, मतलब जो आज जैसे वक्त बदला है तो राजनीति में भी बदलाव है, नए जमाने की राजनीति पार्टी करना चाहती है और युवा नेतृत्व है, बाकी दलों के मुकाबले इस लीडरशिप का भी फायदा हो सकता है आपको? देखिए, हमारे दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं, युवा उनमें एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और सभी जितने प्रदेश के युवा हैं वो सब उनको बड़े अच्छे से और बड़े तरीके से समझते हैं, उनसे दिल से प्यार करते हैं। युवाओं की एक अलग जो है पहचान में है दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, इनसो का सारा हमारा देख रहे हैं, जितने कॉलेजेस हैं सभी में छात्रों के लड़ाई को लेकर दिग्विजय चौटाला हमेशा तत्पर रहे हैं, चाहे इलेक्शंस की बात हो, स्टूडेंट इलेक्शंस की बात हो, चाहे किसी स्टूडेंट की एडमिशंस की बात हो, या उसके साथ कोई फीस में लेकर, या कोई भी एजिटेशन जो स्टूडेंट्स का था, यूथ का था, वो दिग्विजय चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने, तो आप देखते होंगे कि लोकसभा के दौरान इतने इतने मुद्दे, चाहे वो यूथ के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारी के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वो ट्रैक्टर को लेकर हो, किस तरीके से आप देखिए ट्रैक्टर का कमर्शियल का करने का काम किया था इस बीजेपी सरकार ने, और दुष्यंत चौटाला जी जब उन्होंने कमर्शियल घोषित किया तो 3 हमारे एमपीज थे जो उस टाइम पे, तीनों बैठ के ट्रैक्टर पर दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई में लोकसभा के अंदर घुसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, जब बताया कि इसको आप कमर्शियल करने जा रहे हैं या कमर्शियल कर दिया है, तो जब वहाँ जाके गए तो मोदी जी ने या बीजेपी के जो मंत्री थे उन्होंने देखा कि ये तो गलत हो गया, देश के लिए हमने गलत कर दिया, तब जाके जो है ये कमर्शियल जो है हटाने का काम किया। और आज भी जो है ये बीजेपी के लोग करने जा रहे हैं कि जो ट्रैक्टर है उसको दोबारा जो है उसका हैवी लाइसेंस के उसमें करने जा रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर को जो चलाएगा वो हैवी लाइसेंस बनवाए। ये कहाँ का है? ट्रैक्टर जो है किसान का है, मजदूर का है, ये कमर्शियल कैसे करने जा रहे हैं? कमर्शियल आइटम बहुत है अभी भी,
तो इस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी ने, दिग्विजय चौटाला जी ने और सभी ने जननायक जनता पार्टी के हर जो नेता है, कार्यकर्ता है, युवा है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर पार्टी बनी थी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, भाई दुष्यंत चौटाला जी के, हमारी नैना जी हैं, माता जी नैना चौटाला जी, नैना चौटाला जी ने एक इतिहास बना दिया। जितने जो हरी चुनरी चौपाल का जो काम किया, आज तक मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं, चाहे मायावती जी हो, चाहे जयललिता जी हो, हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, जो महिलाओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का एक जनसभा, एक रैली करने का काम, जो उनकी उत्थान की, महिलाओं के उत्थान की बात, जो महिलाओं की सोच के जो काम किया, वो नैना चौटाला जी ने किया। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे एशिया में इनकी चर्चा है। बसपा के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ, कुछ टाइम चला लेकिन टूट गया, वो लगता है एक बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा अनुभव था। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि हम गठबंधन नहीं, 90 की 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो नेताजी के इस आदेश के बाद, इस रवैये के बाद आपको लगता है जोश आया होगा उम्मीदवार जो भी रहेंगे कि 90 की 90 सीटों पर दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे? ये कथुरिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी का और मायावती का जो गठबंधन था, वो बहुजन समाज को ऊपर उठाने का था। अब मायावती जी ने किस वजह से ये गठबंधन जो है ब्रेक किया है, तोड़ा है, वो जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन हुआ था, मिश्रा जी ने, दुष्यंत जी ने और दोनों प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ने 40 और 50 पे समझौता किया था। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। और बाद में पता नहीं किस कारणवश, हम क्या कहें इस बारे में, हम चाहते थे कि इस बहुजन समाज को ऊपर उठाया जाए, उन्होंने खुद गठबंधन तोड़ा। गठबंधन के बारे में आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्टैंड पे कायम रहे, आपने ईमानदारी से, ठीक है, सब कुछ चलाना चाहा, लेकिन आपकी तरफ से कमी नहीं, गठबंधन टूटा तो वजह दूसरी तरफ से थी। हाँ हाँ, हमारी तरफ से कोई गठबंधन में कोई कमी नहीं थी। हमने एक महीने के अंदर हर जिले में मीटिंग कराने का काम किया, उनका सहयोग, उनके साथ लेने का काम किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों पानीपत जिले की मीटिंग थी, कितनी जबरदस्त मीटिंग थी, और हमने उनको प्रॉपर तरीके से आंखों पर बिठाने का काम किया बहुजन समाज को। और आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, हम, आप देखना हमारे कभी भी पोस्टर लगे हों तो हम भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा उनके आदर्शों पर, उनकी नीतियों पर चलने वाली जननायक जनता पार्टी है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था, और हमने आगे भी, हम बहुजन समाज को अपने साथ लेके चलेंगे। हमारे जितने समाज के लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, ये भीमराव अंबेडकर जी किसी एक उस समाज के नहीं हैं, भीमराव अंबेडकर जी पूरे देश के और हर उस समाज के साथ हैं जो इस देश में रहता है। उन्होंने संविधान को बनाया, तो वो खाली एक समाज के नहीं, वो हमारे भी उतने ही प्रिय हैं जितने दूसरे समाज के लोग समझते हैं। बात आपकी करते हैं, पानीपत ग्रामीण की राजनीति में काफी टाइम से सक्रिय हैं, आप मुद्दों को समझ रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं। पानीपत ग्रामीण की राजनीति है, जो उसकी तासीर है, अपने आप को कितना फिट पाते हैं और वहां के मुद्दे को कितना समझ पाए हैं ताकि लोग आपको समर्थन देकर विधायक बनाएं जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पानीपत ग्रामीण की कथुरिया जी समस्या ही समस्या है। विधायक जी कह रहे थे पीछे कि भाई मैंने 400 करोड़ रुपए लगाए, मैंने तो 1000 करोड़ भी सुना, उन्होंने कहा 1000 करोड़ खर्च किए हैं। और इसी जिले के कृष्ण पवार मंत्री है, उन्होंने, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे जी 420 करोड़ लगाए मैंने। विधायक जी कहते हैं मैंने 1000 करोड़ लगाए किसकी बात सही माने? विधायक जी कभी 400 कहते हैं, कभी 1000 कहते हैं। अब 10 दिन पहले एक डिबेट थी, उसमें 2000 करोड़ कहने लगे उसके साथी, 2000 करोड़ लगवाए विधायक जी। तो ये जो है बातें जो है ज्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना काम नहीं है, अगर इतना काम होता तो आज पलकों पे बिठा के रखती पानीपत ग्रामीण की जनता विधायक जी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जनता बीजेपी कहती है कि हमने पानीपत की ग्रामीण की जनता के लिए जो कॉलोनियाँ रेगुलाइज कराई, कॉलोनियाँ रेगुलाइज कराने का ये सबसे बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, और कहते हमने हर गली बनवाने का काम किया। विधायक जी कहते हैं कि इसमें लकड़ी के पोल थे, मैंने सीमेंट के पोल डलवाने का काम किया। मैं पूछता हूँ कि लकड़ी के पोल कब थे? हमने तो देखे नहीं 10 साल से, 2009 से तो हम राजनीति कर रहे हैं ग्रामीण की और कॉलोनियों में। ये तो बहुत पुराने समय की बात थी
जिसने भी काम किया होगा कांग्रेस के राज में, हमारे उसमें नहीं थी नेतृत्व में, ये जब चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी फादर साहब की वो नोलथा थी। इसके बाद जब परिश्रम आयोग के बाद जो डिलिमिटेशन में जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी पानीपत ग्रामीण अस्तित्व में आई 2009 में, उसमें हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद लगातार हम यहाँ लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, और गली जो बननी है वो विधायक के किसी भी फंड से नहीं है, वो निगम के फंड से है। पार्षद कहते हैं मैंने बनवाई, विधायक जी कहते हैं मैंने बनवाई, ये खुद ही फैसला कर ले किसने बनवाई है। अगर पार्षद कहेंगे हमने नहीं बनवाई तो कोई वो उसकी मान लेंगे जनता, लेकिन गली बनवाने से आप ये समझे कि हमने डेवलपमेंट कर दिया, वो गलत सोच है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज बीजेपी कहती है कि हमने कॉलोनी रेगुलाइज कर, उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया इन्होंने। डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर 300 से 350 रुपये इनसे टैक्स लिया वसूला जा रहा है। गरीब आदमी है, कॉलोनी में जो रहते हैं मजदूर, रेडी वाले साथी, छोटे दुकानदार, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके पास कहाँ इतना पैसा है कि वो जो है 350 रुपये दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको इस बीजेपी सरकार को इसको कम करना चाहिए था, ये पॉलिसी है इनकी। भाई एक तरफ तो दिखा दिया, लोभ दे दिया कि हमने आपकी कॉलोनियाँ रेगुलाइज कर दी, दूसरी रेट जो है इतना कर दिया कि ताकि ये रजिस्ट्रियाँ ना करा पाए। आज अगर रजिस्ट्रियाँ नहीं होगी, आज रजिस्ट्रियाँ इतने बुरा हाल है वहाँ पे, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, 50 गज का प्लॉट जब लेते हैं, उन्होंने लिया होगा उस दौरान 1 लाख का 1.5 लाख का, आज उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार को प्लस जो वहाँ ठेकेदार बैठे हैं 1 लाख रुपये इनको कम से कम रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत कहते हैं कि हमने कम कर दी, भ्रष्टाचार कम कर दिया, इससे ज़्यादा रिश्वत मैंने तो अपनी लाइफ में 15-20 साल से नहीं देखी। एक बात ये भी है, नगर निगम के विकास की बात करें, विधायकों को श्रेय ले रहे हैं, गलियां और नालियां और पुलियां बना के विधायक श्रेय ले रहे हैं, जबकि ये रूटीन का काम है। जब गवर्नर रूल होता है, विधायक नहीं होते, ये काम तो तब भी होता है जबकि विधायक अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इस सारे विकास में जितना भी विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह विकास हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पानीपत ग्रामीण हो चाहे पानीपत शहरी, जो निगम का एरिया है, लगातार भ्रष्टाचार की बद इंतजामी के आरोप लगे। आप चूंकि विपक्ष में हैं, आपने इसके खिलाफ आवाज कब उठाई और क्या किया आपने? देखिए, हमने बार बार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि पार्कों को लेकर जिस तरीके से इन्होंने टेंडर, इतने हैवी रेट के टेंडर लगाए, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठाते हैं बीजेपी पे भी, और खुद बीजेपी वालों लोगों ने भी इस बात पे सवाल उठाए हैं, और आए दिन मीडिया में भी हम भी रोते रहते हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट को लेकर कितने बड़े घोटाले हो चुके हैं, चाहे सफाई को लेकर कितने, सफाई कहाँ है? मोदी जी का एक सपना था स्वच्छ भारत, आप कॉलोनियों में जाके देखें, डेंगू सबसे बड़ी बीमारी है हमारे ग्रामीण इलाके में, पानी जो है लोगों के पड़ोस के मकान में खड़ा हो जाता है खड्डे में, और चारों तरफ पोलोथीन, गंदगी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, बच्चे रह नहीं सकते, इतनी बीमारियां हैं। अब कहते हैं कि हम सीवरेज डाल रहे हैं, सीवरेज इतना छोटा सा पाइप डाल रहे हैं, कोथुरिया जी आप देखोगे खुद हैरान हो जाओगे, जहां लाखों की जनसंख्या हो, सेक्टरों में तो नहीं इतने बड़े बड़े पाइप डाले हुए हैं सीवरेज के लिए, जहां घर में 2 आदमी 4 आदमी रहते हैं, तो वहां क्यों नहीं इतने बड़े डाले जा रहे हैं? आप देखने की बात, जहां जनता ज़्यादा है वहां जो है कम सीवरेज के जो है पाइप में डाले जा रहे हैं, खाना पूर्ति है भी हमने सीवरेज का काम कर दिया। एक बात, जैसे दूसरे दलों के जो नेता हैं टिकट की चक्कर में दिल्ली में कर रहे हैं, लोबिंग कर रहे हैं, और आशंका ये भी है कि जो बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पार्टियों में मतलब बगावत की स्थिति आ सकती है, भीतरघात की हो सकती है, पार्टी को दंड पड़ सकता है, उस बात से, उस खतरे से आप बेफिक्र हैं? यस यस, हम तो बेफिक्र हैं, हमारी टिकट अनाउंस है, और हमारे जितने भी साथी हैं जननायक जनता पार्टी के जो भी साथी हैं हमारे साथ हैं, दिल से साथ हैं, और हम इकट्ठे होकर इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे, और पानीपत ग्रामीण की जनता जो है खुश है इस बात से। हमने कल पर भी गाँव के दौरे किए, परसों भी गाँव के दौरे किए, जिस दिन पहली टिकट आई थी फर्स्ट डे में गाँव में गया था, 36 बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे साथ रहेंगे, तो इसी प्रकार हम आज भी मेरे प्रोग्राम हैं, आज मेरे 8 गाँव के प्रोग्राम हैं, शाम को हम कॉलोनियों में डोर टू डोर करते हैं, कभी प्रोग्राम करते हैं, तो लोग जननायक जनता पार्टी के साथ हैं और बड़े अच्छे से प्यार से हमें आशीर्वाद देते हैं, बड़े खुश होते हैं जब हम गाँव में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं। पहले के मुख्यमंत्री कहते थे कि हरियाणा नंबर 1 था खुशहाली में, आज कहते हैं बेरोजगारी में हम
नंबर वन है, तो कहाँ है प्रदेश? मोटर व्हीकल एक्ट बनाया मोदी जी ने, आप उसमें देखिए हमारे युवा साथी जिनके पास 20,000 की मोटरसाइकिल या 25,000 की मोटरसाइकिल थी और उनको चलान कर दिया जाता है 30,000 का, 35,000 का। हमारे किसान भाई जो ट्रैक्टर चलाते हैं उन पे टैक्स, उन पे चलान काटते हैं 1.5-1.5 लाख का। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है इसका विरोध वहाँ भी हो चुका है, चाहे गुजरात है चाहे हिमाचल है, और कांग्रेस के जहाँ राज्य है वहाँ तो लगा ही नहीं है। पानीपत ग्रामीण की सीट पर तीसरी बार चुनाव होगा, दो विधायक बन चुके हैं, लेकिन ये भी स्थापित हुआ है कि जो विधायक बना दोबारा विधायक नहीं बना वो पानीपत ग्रामीण सीट पे। तो पानीपत ग्रामीण सीट की तासीर को आप कैसे लेते हो, क्या समझते हो, किस तरह की राजनीति है यहाँ पे? देखिए जो भी पहले चुनाव हुए विधायक बने, ओम प्रकाश जैन जी बने, वो नारा देते थे पंजाबी वर्सेस लोकल का, ये गलत है। आप राजनीति करो साफ और सुथरी। वो मंत्री बने कभी किसी को कहते थे मैं तू मेरा बेटा है, मैं तू मेरा बाप है, इस तरीके से लोगों को उसने इतना बरगला दिया, इतना मतलब नीचे तक राजनीति गंदी तक वो पहुंच गए थे। लोगों ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा प्यार दिया। मेरी मदर ने चुनाव लड़ा था, हम उनसे 5,000 या 5,000 53,500 वोटों से हार। बात हार जीत की होती रहती है, दो मैदान में होंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। उन्होंने भी जनता ने जिस तरीके से, जिस जोश से, जिस उमंग से उसको जिताया था, उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, खुद ही फंस गए, फिर इस्तीफा देना पड़ा, जेल तक हुआ है, फिर इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। मंत्री जी आप थोड़ा सा सुलझे हुए हैं, एक सीनियर नेता हैं, आप लोगों को ये शोभा नहीं देती, इस तरीके की बातें अच्छा नहीं लगता। आपने जो किया है वो जनता के सामने। और रही बात विधायक जी की, देखिए काम करेंगे, लोगों में बीच में रहेंगे तो लोग प्यार करेंगे ना, तभी तो दोबारा वोट देंगे। आज गांव की बात करते हैं, विधायक जी कहते हैं मुझे तो गांव की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है, गांव की भी जरूरत है और शहर की भी जरूरत है। जो व्यक्ति हमेशा दुख में सुख में लोगों के बीच रहेगा, काम करेगा, वो जनता उसको प्यार करेगी। मेरे फादर साहब 3 बार MLA रहे, इफ्को के चेयरमैन बने, स्पीकर बने, एक बार हम 500-700 वोटों से रह गए, तो ये लोगों का प्यार था। वो उन्होंने लोगों के बीच में थे, उन्होंने लोगों के काम किए। हमने 700-800 नौकरियां 2004 में 2000 से 2004 में लगवाने का काम किया, इफ्को में लगवाए। उससे पहले फादर साहब MLA थे चौधरी देवलाल के टाइम में, चौधरी देवलाल के साथ उन्होंने राजनीति स्टार्ट की, तब हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, हमने किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। तो ये होती है राजनीति। आज कहते हैं कि हमने नौकरियां दे रहे हैं, सब साफ नौकरियां दे रहे हैं। अरे नौकरियां दे तो रहे हो आप, डी ग्रुप की बात कर लो, कहते हैं कि डी ग्रुप में हमने नौकरियां दी। डी ग्रुप है क्या? आप पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते कि चपरासी की है भैया, PN की है या माली की है? इंटेलिजेंस युवाओं ने, जिनके माँ बाप ने 15-15, 20-20 लाख रुपए अपने बच्चों पे लगा के, कोई MBA कर रहा था, कोई MA कर रखे थे, सपने देखे थे कि हमारा बच्चा जो है होनहार है और अच्छी जगह लगेगा। जब डी ग्रुप के सिलेक्शन हुआ और जब बच्चा को नौकरी दी जा रही थी, जब उसको लेटर दिए जा रहे थे ज्वाइनिंग के, तो किसी को पता लगा कि आपको माली का काम करना है, किसी को पता लगा आपको PN का काम करना है, वो कहाँ करेंगे? बीजेपी सरकार सत्ता में है और दावा करिए, और जोरदार दावा करिए कि 75+ सीटें लेके हम सत्ता में वापस आएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार जो है घमंड में है, और घमंड जो है हमेशा टूटता है। मुख्यमंत्री जी ने पीछे भी कहा था कि किसी ने, साथी ने उनको फरसा दिया गिफ्ट में, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बताओ ये मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के राजा हैं, राजा को ऐसी बातें जो है अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, इससे प्रजा पे गलत असर पड़ता है। और वो भी एक सोचते हैं कि भाई हमारे राजा जो है, मुख्यमंत्री जो है, किस तरीके का वक्तव्य रखते हैं। पीछे भी उन्होंने कोई साथी था सेल्फी ले, उसका फ़ोन छीन के फेंक के मारा। बताओ ये कोई बात है? ये घमंड है कथुरिया जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक लगा हुआ है कि 75 पार की बात करते हैं, कभी 85 पार की बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ कभी ये ना कह दे 150 लेकर आएंगे, कभी UP से ना ले आए 50-60 MLA। ये जनता जो है प्रदेश की आने वाले समय में इनको बताएगी आपके पास 75 हैं कि या जमुना पार है।
पानीपत ग्रामीण से दावेदारी है और अब तो आप तो उम्मीदवारी घोषित हो चुके हैं और राजनीति पानीपत ग्रामीण की कर रहे हैं। पानीपत ग्रामीण ऐसी सीट है, बहुत सारे लोग जो राजनीति की तासीर को राजनीति को जानते हैं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी और जजपा में। इस त्रिकोणीय संघर्ष में क्या कहेंगे आप, किस भूमिका में आप नजर आएंगे, क्या कुछ हो सकता है अंजाम? देखिए, कोई त्रिकोण मुकाबला नहीं है, जनता का प्यार हमारे साथ है, हम एक तरफा चलेंगे, किसी का कोई कुछ नहीं है। बीजेपी में आज फूट है, तीन चार कैंडिडेट है, वो उसके पैर खींचता है, वो उसके पैर खींचता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो मौके के विधायक जी हैं वो बात बात करते हैं, काम उन्होंने किया नहीं, साथ में गाड़ी में नारियल के बोरी होती है, वो कहीं भी जाते हैं फोड़ देते हैं चले जाते हैं। अब भी आचार संहिता लगने वाली है, कल भी, अब भी नारियल फोड़ने पे जुटे हुए। अरे आप नारियल को छोड़ के लोगों के बीच में जाओ, जनता के बीच में रहो। नहीं, लेकिन दिखाना है कि हमने नारियल आज फिर फोड़ दिया। उसी तरीके से कांग्रेस है, कांग्रेस की गुटबाजी आप जगजाहिर है। अब ये भी बता दो, चूंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, मतलब पूरी तरह से अब गर्मी आ चुकी है सियासत में, मुद्दे क्या होंगे, किन चीजों पे लोगों को विश्वास दिलाओगे, कन्विंस करोगे कि आप देवेंद्र कादियान पे भरोसा करो, आपका भरोसा टूटेगा नहीं, किन मुद्दों पे समर्थन मांगेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है डेवलपमेंट चार्जेज का है। हम जो है पानीपत ग्रामीण को आज जो डेवलपमेंट चार्जेज है 300 से 350 है, हम उसको बराबर करने का काम करेंगे। जो हमारे शहर में है 120 रुपये, हम उसका बराबर करेंगे, ताकि जनता पानीपत ग्रामीण की अच्छे रेट में और एक जो बनता है उस रेट में हम उनको जो है डेवलपमेंट चार्जेस खत्म कराने का काम करेंगे। दूसरा, स्वच्छ पानी आरओ का पानी हम दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो गरीब मजदूर साथी जो हैं वो आरओ का पानी नहीं पी सकते। और जो पानीपत में आज टीडीएस है बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि उनकी बीमारी जो है, चाहे किसी मलेरिया है, चाहे पेट के इन्फेक्शन्स हैं, चाहे डेंगू है, वो कहीं ना कहीं पानी, स्वच्छ पानी ना मिलने की वजह से भी है। तो हम उनको आरओ का पानी मुहिम कराएंगे, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूँ कि घरों पर 11,000 की केबल लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, काफ़ी बार हादसे हो चुके हैं, ट्रांसफार्मर लोगों के घरों के अंदर हैं, वो सारा काम हम सरकार के खर्च पर फ्री कराएंगे, ताकि जनता, जो गरीब जनता है, उनके पास जो नहीं है पैसे देने को, आज बड़े बड़े एस्टीमेट बन जाते हैं, बिजली डिपार्टमेंट जो है बगैर बड़े बड़े एस्टीमेट बनाता, कभी 1.5 लाख का। पीछे मेरे पास विद्यानंद कॉलोनी के साथी आए थे, मंदिर में आप देखना, कभी मंदिर में ऐसे ट्रांसफार्मर, जो भी श्रद्धालु जाता है, जो भी बेटी बहन कोई श्रद्धालु जाता है, तो उस पर खतरा रहता है कि कभी हाथ लग के कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। मैंने एक दो बार डीसी साहब को भी बोला है, शायद वो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम, हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले उसको काम कराने का, बिजली की तार हटाने का काम करेंगे। दूसरा, सबसे और समस्या जो है हमारी स्वास्थ्य को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर हम डिस्पेंसरी वैन जो है वो तैयार करेंगे, ताकि वो हर मोहल्ले में जाए, एक डॉक्टर, एक उसके साथ असिस्टेंट और मेडिसन्स जो है रहें, किसी भी साथी को दूर नहीं जाना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना होनी पड़े। और हमारा हॉस्पिटल तो आप देखना, आप कभी भी जाके कैमरे के साथ जाके देखना, किसी भी पेशेंट को वो दवाई नहीं देते, रेफर कर देते, छोटी सी भी बीमारी, थोड़ी सी भी अगर लगेगी कि भैया सीरियस है। बिल्डिंग 38 करोड़ की बनी है, डॉक्टर और दवाइयाँ बहुत कम है, लोगों की ये शिकायत रहती है। बिल्डिंग की बजाय 38 करोड़ की दवाइयाँ रखते तो आज पानीपत की जनता जो है खुश होती। ये क्या करते हैं, जो भी मरीज आएगा उसको रेफर कर देते हैं, रोहतक कर दिया या खानपुर कर दिया। अरे भाई आप भी कुछ करें ना, पीछे भी देखना, आप न्यूज़पेपर में भी आई थी, हेडिंग आई हुई थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोग लाइन में लगे हुए थे इस तरीके से, और कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग को क्या करेंगे भाई, डॉक्टर दो आप हमें, हमें मेडिसन्स दो, एक्सरे मशीन दो और मशीनें दो, ताकि जो गरीब आदमी जो आज अल्ट्रासाउंड या दूसरी कराता है उनके लिए कितना परेशान है, कितने पैसे लगते हैं, वो सुविधाएं दो आप। आज हमारे प्रदेश में शिक्षा को लेकर बहुत गलत असर इस प्रदेश से जा चुका है, कितने स्कूल्स बंद किए इन्होंने, आप कहाँ कहाँ सो रही है ये सरकार एजुकेशन को लेकर। अगर हमारे युवा जो है पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम कहाँ एजुकेशन में कहाँ हम ऊपर जाएंगे।
तो हमारी जो एजुकेशन के लिए है, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा हम नए जो है स्कूल बनाएंगे, अच्छे तरीके से सुजित करेंगे, उनमें एसी कूलर प्राइवेट, जैसे बच्चा जाता है खुश होता है, प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि बच्चा कहता है कि वैसे ही पढ़ने का मन करे, कथुआ साहब आप बैठो अच्छे बेंच हो, बच्चे खुश चेहरे पे खुशहाली आ जाती है। और गरीब आदमी क्या सोचता है, कॉम्प्लेक्स फील करता है कि भाई मेरे जो पड़ोसी है उसका बेटा जाता है किसी प्राइवेट स्कूल में, मेरा बेटा जो जाता है सरकारी स्कूल में। आप विदेशों में देख लो, चाइना में देख लो, अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो, वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सभी के बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल का नाम की चीज है ही नहीं। चलो प्राइवेट स्कूल रखे, हम ये किसी को नहीं कहते कि हम प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, लेकिन हम अपने जो सरकारी जो सिस्टम में जो हमारे स्कूल हैं उनको सुधारने का काम करेंगे, ताकि हर गरीब का बच्चा महसूस करे कि भाई मेरा बेटा भी एक प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहा है। पानीपत ग्रामीण से उम्मीदवार घोषित हो चुके जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कादयान ने मुद्दों पर बात की, अपने विचारधारा को पार्टी की बताया और क्या करना चाहते हैं, एक नए जमाने की राजनीति ये लोग शुरू करना चाहते हैं, बस अब समर्थन मांग रहे हैं लोगों से कि लोग हमें समर्थन दें, इस लायक बनाएं कि हम लोगों से किए वायदों को पूरा कर सके। अब समय बताएगा आगे राजनीति पानीपत ग्रामीण की किस करवट रुख लेती है। इस कार्यक्रम में इतना ही, किसी और हलके में फिर किसी नेता से बात करेंगे।